नमस्कार। आज हम लोगों का सिलगढ़ी पारिजात जयंती समारोह समिति का कमिटी पुनर्गठन करने के लिए आज हम लोगों ने सभा बुलाया था। तो ये साधारण सभा के माध्यम से हम लोगों के यहाँ आज एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में हमारे श्रद्धेय बीबी विश्वकर्मा जी उपस्थित थे, उनके ही नेतृत्व में आज यहाँ का कमिटी गठन किया गया। और कितने लोगों का यह कमेटी? यहाँ का कमेटी 93 टोटल 93 जन को लेकर के सफलतापूर्वक इस कमेटी को निर्वाचित किया गया उनके नेतृत्व में। और सबसे बड़ी बात है, ये एक साहित्य का साहित्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और संगठन भी हमारे साथ में है, सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं और साहित्य के तौर पर साहित्यिक सलाहकार के तौर पर साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आज हम लोगों को मिला है, हम लोगों का सौभाग्य। हमारे कृष्ण प्रधान सर वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और पहले से ही इस पारिजात को लेकर उन्होंने बड़ी अहम भूमिका पालन की थी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को 2020 साल से हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दे करके वो हमारे अभिभावक सरह हैं, अभिभावक ही हैं, उनके ही नेतृत्व में हम लोग पारिजात जयंती समारोह समिति को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर से वहाँ गोपाल लामा सर हमारे अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इसी तरह हमारे साथ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी उपस्थित हैं और उपाध्यक्ष के रूप में विनय सुब्बा जी निर्वाचित हुए हैं और केसीआर के रूप में हमारे इजू छेत्री जी और हमारे बहुत सदस्य आए विभिन्न संस्था से जो हमारे संस्थापक काल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को लेकर के और विशेष व्यक्तित्व को लेकर के, विशेष कवि अनुरागी को लेकर के और हमारे सलाहकार के रूप में हमारे निर्वाचित हुए हैं बीबी विश्वकर्मा जी, मदन सुब्बा सर, हमारे प्रभात पाठक जी, उसके बाद हमारे पदम सुनाम जी, दीपक नेउपाने जी, देवी कला शर्मा जी, प्रतिमा जोशी जी, राजेन सुंदास जी, इस तरह से अरुण बराल जी, इस तरह से हम लोगों के साथ सभी लोग जुड़े हैं और सभी को आज हम लोगों के साथ हम लोगों का निर्वाचित होने के बाद मिले सभी को। जैसे ये समिति का नाम ही है जयंती समारोह समिति, जयंती का पालन करते हैं, यह समिति का और क्या उद्देश्य है समाज में जो है विभिन्न तरह का जो कार्य होता है उसको लेकर? ये समिति का देखिए, सिलगढ़ी पारिजात जयंती समारोह समिति का उद्देश्य समाज में विशेष करके साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान है और आप लोग सभी जानते हैं भली भांति कि साहित्य के बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि राजनीति भी साहित्य का ही ऊपर है। राजनीति का उत्थान यदि कोई चीज़ करता है तो वो साहित्य के दिखावे पर ही करता है, साहित्य ही दिखाता है। इसलिए समाज में साहित्य का स्थान बहुत बड़ा है। इसलिए साहित्य को लेकर के और समाज में जितने भी हमारे वंचित पीड़ित और हमारे सामाजिक रूप से जितने भी हमारे कुछ हम लोगों का कार्यक्रम है और विशेष करके हमारे युवा वर्ग जो हमारे आज पारिजात को नहीं जान रहे हैं, पारिजात को पहचान कराने के लिए हम लोग प्रत्येक गांव-गांव में जा करके हम लोग एक कूपन भी रखते हैं। प्रत्येक साल देखिएगा पारिजात जयंती मनाने समय हम लोग घर घर में पर्चा काटते हैं। वो पर्चा हमारा आर्थिक अनुदान के लिए केवल नहीं है, वो पर्चा हमारा प्रत्येक घर में वो पारिजात का पर्चा जाए ताकि पारिजात कौन है, पारिजात क्या है, पारिजात क्या की थी पारिजात ने, उनका परिचय बांटने के लिए, उनका परिचय रखने के लिए हम लोगों ने वो स्लिप को प्रत्येक संस्था को देकर के संस्था के प्रतिनिधि को प्रत्येक घर घर में जाकर के पारिजात के बारे में बोल करके आर्थिक अनुदान हम लोग संग्रह करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो यह जो संस्था है इसमें सिर्फ सिलीगुड़ी के लोग ही शामिल है या फिर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और यहाँ हम लोग ये सिलीगुड़ी के विशेष करके सिलीगुड़ी के हमारे जितने भी संगठन है संघ संस्था है उन लोगों को लेकर के ये बना है। अभी हम लोग सिलीगुड़ी के बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिलीगुड़ी में ही अगर हम काम करें तो यही हमारा समय नहीं हो पाएगा हमें लगता है, इसीलिए हम सिलीगुड़ी केंद्रित होकर के इसको काम करना चाहते हैं। भविष्य में हम लोग तय करेंगे यदि हमको कुछ करना है नहीं करना है, सर्वसम्मति के आधार पर सभा में आलोचना करके हम लोग इसको ठीक करेंगे, हमारा सिद्धांत बाद में देखा जाएगा।